अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 बनी सिकंदर। रिलीज से पहले ही अल्लू ने किया 1,000 करोड़ अपने जेब के अंदर। ये शानदार अचीवमेंट एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली डील है और ये भारत में अब तक की सबसे फायदेमंद फिल्म डील्स में से एक मानी जा रही है। तो आइए जानते हैं कि पुष्पा 2 ने रिलीज से पहले ही 1,000 करोड़ के पार कमाई कैसे कर ली। बता दें कि पुष्पा 2 द रूल इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म ने 1,085 करोड़ रुपए का टोटल प्री रिलीज कलेक्शन किया है। इस खबर को सुनकर फैंस काफी खुश हो रहे हैं और बेसब्री से फिल्म का वेट करने लग गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पुष्पा 2 द रूल का थिएट्रिकल राइट्स 640 करोड़ रुपए में बिका है। फिल्म ने अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल डील की लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाया है, जिसमें नेटफ्लिक्स ने 275 करोड़ रुपए में अधिकार यानी राइट्स खरीद लिए हैं। पुष्पा 2 द रूल ने 220 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश से, 200 करोड़ तेलंगाना से, तमिलनाडु से 50 करोड़, कर्नाटक से 30 करोड़ रुपए, वहीं केरल से 20 करोड़ रुपए और विदेशी बाजारों से 140 करोड़ रुपए कमाए हैं। वहीं फिल्म ने म्यूजिक राइट्स 65 करोड़ रुपए में बेचे हैं। पुष्पा 2 द रूल के सैटेलाइट राइट्स 85 करोड़ रुपए में बिके हैं। नॉन थिएट्रिकल राइट्स से फिल्म ने 425 करोड़ रुपए कमा लिया है। खैर, आम की जानकारी के लिए बता दें कि पुष्पा द रूल 6 दिसंबर 2024 को थिएटर्स में लगने वाली है। इस फिल्म का डायरेक्शन सुकुमार ने किया है और ये मैत्री मूवी मेकर्स के जरिए प्रोड्यूस किया गया है। अब ऐसे में पुष्पा 2 के रिलीज से पहले हुई इस गदर कमाई को देखकर फिल्मी पंडितों का कहना है कि ये फिल्म रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में भौकाल काटेगी और कमाई के अलग अलग रिकॉर्ड कायम कर देगी। फिलहाल आप बताइए, पुष्पा 2 के प्री रिलीज से ही 1050 करोड़ के हुए कलेक्शन के बारे में जानने के बाद आपका क्या कहना है? बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।